खबरों की करते हैं शुरुआत। आज की बड़ी खबर, आज से पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर यूएई जाएंगे और आज और कल यूएई का उनका दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। पहला हिंदू मंदिर राजस्थान के कारीगर जो है उनकी तरफ से बनाया गया, और भी कई कारीगर इसमें थे। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हुए भी नजर आने वाले हैं। यूएई के बाद कतर का दौरा भी उनका होगा और प्रधानमंत्री मोदी कतर की यात्रा पर भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब दुनिया में सनातन की गूंज सुनाई पड़ रही है। अयोध्या टू अबुधाबी, और अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, आएंगे। आज सबसे बड़ी बात की जो पहला हिंदू मंदिर बना है वहां पर उसकी झलक कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही आती है, और राजस्थान के कारीगरों की तरफ से भी इस मंदिर का निर्माण किया गया। पीएम मोदी का 2 दिवसीय यूएई का दौरा कई मायनों में खास हो जाता है, और विस्तार से आपको और जानकारी देते हैं। पिछले 8 महीनों में ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा दौरा है। साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच होगी, और एक जैसे हित वाले क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा करते हुए नजर आने वाले। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशि से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। उनके नियोते पर ही प्रधानमंत्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी एक खास संबोधन भी देने वाले जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। 14 फरवरी को अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं, और इसलिए पीएम मोदी आज जब रवाना होंगे तो कैसे पड़ी इस मंदिर की नींव, अब आप ये समझिए। मंदिर की कल्पना 1997 में की गई थी, और मंदिर का मकसद दो संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ना था। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे तब वहां के राष्ट्रपति ने मंदिर के लिए जमीन तोहफे में दी, और 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव भी रखी थी। और मंदिर निर्माण दो देशों के बीच बढ़ रहे सद्भाव का एक सबूत है। और ये भी आपको बता दें कि आखिर इस मंदिर को अगर हम देखते हैं तो उसकी झलक अयोध्या की तरह देखने को मिलती है, अयोध्या राम मंदिर की तरह। और भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को अहलन मोदी का नाम दिया गया। हेलो स्वागत को अरबी भाषा में अहलन कहा जाता है, हेलो और स्वागत को। देखिए कार्यक्रम में भारतीय मूल के 7,000 कर्मी शामिल हो सकते हैं, और ये कार्यक्रम अबुधाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होने वाला है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई है। कार्यक्रम के लिए करीब 60,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वहां के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अबुधाबी शहर से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है ये मंदिर। 27 एकड़ की जमीन पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। 700 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। कुछ झलकें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, वीडियोस जो सामने आई है। साल 2019 में मंदिर ने मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आम लोगों के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी मंदिर 18 फरवरी से ये खुल जाएगा, और पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन इसका चुके किया जाना है। वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है इस मंदिर की खासियत भी आज समझिए। गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में कई जटिल नक्काशियाँ की गई है। बाहरी हिस्से को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया। मंदिर में अंदर सफ़ेद संगमरमर लगाया गया, और मूर्तियां भारत में कारीगरों के जरिए तैयार की गई है। भारत के कारीगरों की तरफ से निर्माण भी किया गया है। भारत से तैयार मूर्तियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण हुआ। हर शिखर पर नक्काशी है, बारीकी से नक्काशी की गई है। पौराणिक कहानियों को भी इस मंदिर में दर्शाया गया है। रामायण, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर, अयप्पा, शिवपुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों को भी दर्शाया गया। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट की है, और ये दो संस्कृतियों का संगम है। ये मोदी के दौरे से दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोनों देशों की अगर हम बात करें, साल 2022-23 में $85 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार दोनों देशों के बीच हुआ था, और भारत द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक का फायदा हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ CEPA और LCS करार किया है, और भारतीय रुपए को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में प्रमोट किया जाता है। दोनों देश अब ट्रेडिंग से होते हुए अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं,
और डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, आईटी सेक्टर की बात करें तो लगातार इसको लेकर कोशिश की जा रही है। यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। यूएई में 35 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह भी है। और पीएम मोदी के दौरे से देखिए दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यूएई मंदिर में दुनिया का मेला, पीएम मोदी के पहुँचने से पहले कई जो देश हैं उनके मेहमान भी वहाँ पर पहुँचे, अमेरिका, जर्मनी, इसराइल, इटली, कनाडा, बांग्लादेश, खाना, चाड, चिली, यूरोपीय यूनियन, फिजी, अर्जेंटीना, साइप्रस, चेक गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य और मिस्र के राजदूत पहुँचे हैं। और यूएई मंदिर में दुनिया का मेला लगने देखने को मिलेगा आपको आज। और गाम्बिया के वरिष्ठ राजनयिक मंदिर का दौरा भी करने के लिए पहुँचे हैं ये दुनिया भर के मेहमान। अलहन मोदी कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल अब आप जानिए, इवेंट का नाम है अलहन मोदी यानी कि वेलकम। इवेंट की तारीख 13 फरवरी 2024 यानी कि कल। इवेंट की टाइमिंग शाम को 4 बजे। और ये भी आपको बता दें कि इवेंट का स्थान जाय स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स अबुधाबी है, जहां पर दुनिया भर से मेहमान जुटने वाले इवेंट आयोजक यूएई के सभी प्रवासी भारतीय संगठन भी है। और दुनिया में सनातन की गूंज देखने को मिलेगी और भाग लेने की फीस कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है वहां पर तो शून्य। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सभी के लिए निशुल्क है और ड्रेस कोड भारतीय परिधान यानी कि अगर आप जिस जिसको भी इस कार्यक्रम में जाना है भारतीय परिधान पहनना होगा। 400 से ज़्यादा लोकल टैलेंट्स इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि आपको भारत की संस्कृति, पौराणिक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और यूएई के बाद कतर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल कतर की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। कतर के अमीर शेख से मुलाकात करेंगे और दोहा में अमीर शेख और पीएम मोदी की बैठक होगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा जोर। और कल कतर ने 8 पूर्व सैनिकों को, भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया था, जिसमें से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। एक भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी देखिए वहां पर जा रहे हैं और कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया था। पहले मौत की सजा सुनाई थी, उसके बाद फिर जेल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अब फिलहाल उनकी सजा को भी माफ कर दिया। और फिलहाल आपको बता दें 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक अब भारत वापस लौट चुके हैं।